hello friends welcome to siksha how are you all i hope everyone is doing fine so friends this is uh, the second part of your social protection all right and is very important for your epfo exam specifically okay and to the some extent can also be helpful to you in your uh, civil services exam and uh, uh, your cds nda capf and all those kind of exams all right so these are the topics that we are going to briefly discuss in this uh, particular lecture we'll be understanding the type of social uh, protection programs that are there what are the approaches to social protection what uh, are the social protection type of social protection programs in india what is the meaning of affirmative action in uh, uh, your social security we'll learn something about the national policy

एंड एम सी यू कोर्सेज़ आपके अवेलेबल uh, हैं वेबसाइट के ऊपर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है एंड एम सी क्यू कोर्सेज़ के अंदर जितने हम लेक्चर्स कवर कर रहे हैं उन लेक्चर्स में से भी एम सी क्यूज़ आपके हम उसमें पोस्ट कर कर के डालते हैं कि किस तरीके से आपके एम सी क्यूज पेपर के अंदर पूछे जाएंगे और राइट एंड अगर आपने इनमें से कोई भी एम सी क्यू कोर्स लिया हुआ है तो आपको यूट्यूब के सारे लेक्चर्स के पी डी एफ उसके साथ ही मिलेंगे इफ़ यू जस्ट वॉन्ट दी डी एफ फ़ाइल्स और आपको लेक्चर्स एम सी क्यू कोर्सेज़ नहीं परचेज़ करना है तो पी डी एफ़ फ़ाइल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और राइट right.

Uh, according to your ILO, social protection is conceived as having four components. चार components होते हैं ILO के हिसाब से social protection के अंदर. सबसे पहले आ जाता है social security system. Social security system के अंदर आपके statutory जो laws हैं, statutory जो codes हैं, जो आपके uh, governments जो हैं जो lay down करती हैं related to some employer related benefits. जो एक employer को necessarily आपके इंप्लॉइज को प्रोवाइड कराने हैं। जैसे हमारे यहाँ पर देखो अब वेज कोड आ गया सोशल सिक्योरिटी कोड आ गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड आ गया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आ गया ये सारे क्या हैं? ये स्टैट्यूटरी कोड्स हैं। ठीक है अब ये स्टैट्यूटरी कोड्स के अंदर बड़े सारे प्रोविजंस डाल दिए गए मिनिमम वेजेस से रिलेटेड वर्कर्स की सेफ्टी से रिलेटेड तो ये क्या है अगर इम्प्लॉयर इनको फॉलो नहीं करेगा देन डेफिनेटली इम्प्लॉयर विल हैव टू फेस द लीगल चार्जेस ओके तो ये एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है सरकार बना करके देती है ताकि जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको सिक्योर किया जा सके दूसरा आता है यूनिवर्सल सोशल बेनिफिट सिस्टम यूनिवर्सल सोशल बेनिफिट सिस्टम क्या होता है कि भैया जो बेनिफिट्स फॉर ऑल ठीक है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वर्कर uh, क्लास के लिए है या लेबर्स के लिए है या इम्प्लॉयज़ के लिए है या इम्प्लॉयर्स के लिए वो राइट सबके लिए है ठीक है वो राइट सब के लिए है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की अगर अब मैं बात करूं इसके अंदर तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में अगर हम इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर को ही देखते हैं अगर सरकार ने या, या ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि वर्कर्स को एसोसिएशन बनाना अगर अलाउड है तो एम्प्लॉयर्स को भी तो अलाउड है ऐसा कहीं पर हमने रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाया कि जैसे ट्रेड यूनियंस वर्कर्स बनाते हैं वैसे ही ट्रेड यूनियंस या एसोसिएशन एम्प्लॉयर नहीं बना सकता तो ये यूनिवर्सल होते हैं दीज आर लाइक यूनिवर्सल राइट्स फिर आ जाते हैं आपके सोशल असिस्टेंस सिस्टम सोशल असिस्टेंस सिस्टम क्या होता है देखो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम और असिस्टेंस सिस्टम में फर्क है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में क्या है हमने प्रोविजन डाल दिए कि इम्प्लॉयर को जो बेनिफिट्स देने हैं वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को वो ये होने चाहिए सोशल असिस्टेंस सिस्टम बेसिकली क्या हो गया इसके अंदर बेसिकली सरकार जो स्कीम्स लेकर के आती है कुछ लोगों की स्पेशल नीड्स जो फॉर एग्जांपल कोई बीपीएल कैटेगरी है या जो वीकर सेक्शन है उनकी स्पेशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो सरकार नॉर्म्स लेकर के आती है जैसे पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हो गई तो वो आपका सोशल असिस्टेंस के अंदर आ जाता है और फिर आपका प्राइवेट बेनिफिट सिस्टम आ जाता है प्राइवेट बेनिफिट सिस्टम में क्या है जो एम्प्लॉयर रिलेटेड बेनिफिट्स हैं अब इसके अंदर और फर्स्ट पॉइंट के अंदर फर्क क्या है फर्स्ट पॉइंट में स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो एम्प्लॉयर को इन एनी केस फॉलो करने हैं प्राइवेट बेनिफिट सिस्टम में क्या है प्राइवेट बेनिफिट सिस्टम में जो एम्प्लॉयर uh, uh, जो है वो अपनी इच्छा से दे रहा है फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा मारुति जो कंपनी uh, है मारुति सुजुकी जो कंपनी uh, है uh, है ना तो ये अपने एम्प्लॉयज को अक्सर पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बहुत uh, दिवाली वगैरह में बड़े अच्छे अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं देर वॉज अ टाइम वैन मारुति यूज़ टू प्रोवाइड कार्स टू देयर एम्प्लॉयज़ अपने एम्प्लॉयज़ को दिवाली के ऊपर कारें गिफ्ट कर देते थे ठीक है अब ऐसा कहीं पर किसी कोड में तो नहीं लिखा ना कि जो भी कार बनाने वाली कंपनी है उसको दिवाली के ऊपर अपने एम्प्लॉयी को जो है गाड़ी गिफ्ट करनी है तो ये प्राइवेट बेनिफिट सिस्टम आ गया जो इम्प्लॉयर रिलेटेड है जैसे टाटा की कंपनी होगी गूगल कंपनी होगी तो ये जो अपने इम्प्लॉयिज़ को बेनिफिट देते हैं विदाउट एनी स्टैटूटरी सेंक्शन वो आपका प्राइवेट बेनिफिट सिस्टम आ जाता है ठीक है तो इन चारों को सोशल प्रोटेक्शन के अंदर जो है रखा जाता है एंड दिस हैज़ बीन गिवन बाय आई अब सिमिलरली आपके माइंड में देखो जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं माइंड में आ, हमेशा क्वेश्चन यही आता है कि सर हाउ इज दिस रेलिवेंट टू आर एमसीक्यूज हमारे एमसीक्यू वाले पार्ट में ईपीएफओ में कहाँ से यूजफुल है वो सीधा इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है अकॉर्डिंग टू आई एल ओ द सोशल प्रोटेक्शन इज कंसीव्ड एज फोर कॉम्पोनेट्स विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट नीचे दो कॉम्पोनेंट दे देगा या तीन कॉम्पोनेंट दे देगा दे या चार दे देगा दे या पांच दे देगा दे ठीक है तो स्टेटमेंट बेस में पूछ सकता है ठीक है या ए बी सी डी वाले में भी पूछ सकता है तीन कॉम्पोनेंट के नाम दे देगा दे ऊपर नीचे डी में लिख देगा ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव या ए बी सी में से कोई एक होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन दैट वे द नेक्स्ट इज अप्रोचेज टू सोशल प्रोटेक्शन अब सोशल प्रोटेक्शन के लिए क्या अप्रोचेज फॉलो किए जाते हैं तो अपने पास चार अप्रोचेज आती हैं एक आ जाती है अपने पास प्रोटेक्टिव अप्रोच फिर आ जाती है प्रिवेंटिव प्रमोशनल और ट्रांसफॉर्मेटिव तो ये आपकी चार अप्रोचेज हैं इनको ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ब्रीफ में ही आपका इनके अंदर एमसीक्यू जो है वो फॉर्म होने के चांसेज हैं ओके सो so, प्रोटेक्टिव अप्रोच के अंदर क्या आ जाती है बेसिकली प्रोटेक्टिव अप्रोच के अंदर आप रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हो डिप्रीवेशन से ठीक है जैसे अगर कोई पर्सन uh, है हु इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी तो आप उनको डिसेबिलिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है या आप नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन प्रोवाइड कर रहे हो या जो भी सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं जो बेसिकली पुअर लोगों को आप प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है अब जैसे अगर अंत्योदय योजना के अंडर आप पुअर uh, जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको आप जो है फ्री फूड मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हो ताकि हंगर से किसी को कोई प्रॉब्लम ना है सो दैट इज़ वॉट दैट इज़ अ प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिव मेजर ओके सो बेसिकली ये एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है इनकम के लिए भी और कंजम्पशन के लिए भी ठीक है जैसे अगर अब हम यहाँ पर एक स्कीम की बात करें एक स्कीम आपकी आती है पीएम किसान योजना ठीक है पीएम किसान के अंदर क्या कह दिया कि जो फार्मर्स हैं उनको छह रुपए हर साल प्रोवाइड किए जाएंगे दो 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 की किस्तों में तो ये क्या है एक इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है ऑल ओके okay. सिमिलरली uh, आपकी कोविड uh, के टाइम पर बहुत सारी स्कीम्स एक निकाली थी सरकार ने वेंडर्स के लिए स्कीम निकाली थी फार्मर्स के लिए स्कीम निकाली थी ताकि क्राइसिस और स्ट्रेस के टाइम पर भी एक प्रोटेक्टिव नेट प्रोवाइड किया जा सके ओके okay? अब ये प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं ये ईजी होते जाते हैं इंप्लीमेंट करने जैसे जैसे आपके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स जो है वो सक्सेसफुल होते जाते हैं अब पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं और फिर हम ये समझ सकते हैं कि क्यों प्रमोशनल एस्पेक्ट्स अगर आपके कामयाब हो जाएंगे तो प्रोटेक्टिव प्रो अप्रोच जो है वो भी आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी ठीक है उसको भी हम देखेंगे प्रिवेंटिव अप्रोच में क्या है बेसिकली प्रिवेंटिव में प्रोटेक्टिव में तो डिप्रीवेशन है आप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो जो डिप्राइव सेक्शन है ठीक है प्रिवेंटिव में क्या है कि आप डिप्रीवेशन को अवॉइड करना चाहते हो आप डिप्रीवेशन को एवोर्ट करना चाहते हो ठीक है अब इसके लिए जैसे आपने सोशल इंश्योरेंस का प्रोग्राम लिया है ठीक है अगर यहां पर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ठीक है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है प्रोटेक्टिव नहीं है वो क्या है प्रिवेंटिव है ठीक है जी प्रिवेंटिव है कि आप बेसिकली किसान को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहे हो कि हां भैया अगर डिजास्टर हो गया तेरी फसल खराब हो गई तो हम तेरे को एक इंश्योरेंस बेनिफिट दे रहे हैं ठीक है पेंशन जो अटल पेंशन योजना और वो सारी स्कीम्स आ रही है मेटर्निटी बेनिफिट ताकि मेटर्निटी uh, बेनिफिट को अब आप प्रिवेंटिव में कैसे काउंट करोगे मेटर्निटी बेनिफिट को देखो किस तरीके से काउंट किया जा सकता है वो इस तरीके से आपको मेटर्निटी uh, बेनिफिट कैसे हो गया अगर मेटर्निटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं लीव मिल रहा है एक्सटेंडेड लीव मिल रहा है वुमेन को 26 वीक्स का लीव मिल रहा है देन डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर मदर्स हेल्थ मदर को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा चाइल्ड हेल्थ एज द मदर विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन द चाइल्ड राइट तो डेफिनेटली ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर है ओके okay, अब देखो क्वेश्चन पेपर में बन सके से पूछा जा सकता है अमंग द द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रिवेंटिव अप्रोच टू सोशल सिक्योरिटी ठीक है फॉर एग्जाम्पल उसने ऑप्शन ए में दे दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ठीक है uh, दूसरा उसने दे दिया आपका नेशनल पेंशन स्कीम ठीक है ऑप्शन सी में आपको दे दिया मेटर्निटी बेनिफिट ऑप्शन डी में दे दिया ऑल ऑफ द तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से फ्रेम हो जाता है देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि थ्योरी में से बड़े सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें से तो एमसीक्यू बनेगा ही नहीं थ्योरी पढ़ते हुए कि ये सर क्या फालतू चीजें करा रहे हो दिस कैन नॉट बी चेंज इनटू एमसीक्यू सो गाइस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम विच एज बीन टेकन बाय वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसिडर्ड टू बी द ऑर्गेनाइजेशन विच सेट्स द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे यूपीएससी जैसा एग्जाम आपको नहीं मिलेगा ठीक है और उनका आर डिपार्टमेंट इतना बेहतर है तो आप लोग उसको कम्पीट करने की कोशिश ना करें तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशनल मेथड तो प्रमोशनल में बेसिकली क्या है इसके अंदर प्रोटेक्टिव में क्या था कि भाई किसी को डिसेबिलिटी आपने प्रोवाइड कर दिया किसी को गरीबी आपने खाना प्रोवाइड कर दिया प्रमोशनल में आप क्या कह रहे हो कि ये गरीबी को ही क्यों ना खत्म कर दें ठीक है तो मेनली यहां पर यहां पर आप क्या बात कर रहे हो यहां पर आप कह रहे हो कि क्यों ना लोगों की रियल इनकम को बढ़ाया जाए क्यों ना लोगों की कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाए क्यों ना लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए जिससे वो पॉवर्टी से ही बाहर आ जाए आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओके तो प्रमोशनल एस्पेक्ट जो होती है इनको एम्बिशियस कंसिडर किया जाता है ये इतना आसान नहीं है अंत्योदय में तो ठीक है आपने स्कीम बना दिया कि हम पैंतीस किलो जो है अनाज देंगे एक घर को बनाना आसान है ठीक है अनाज भी दे दिया लेकिन उस फैमिली को आपको उसका अगर स्टैंडर्ड रेज करना उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है दैट इज नॉट अ जॉब ऑफ वन डे उसके अंदर टाइम लगेगा ओके okay? और हम क्यों कह रहे थे कि प्रोटेक्टिव ज्यादा इजी हो जाएगा अगर प्रमोशनल इंप्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि अगर आपके प्रमोशनल स्कीम्स काम कर रही हैं लोगों की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोग अल्टीमेटली पॉवर्टी से कम बाहर आ रहे हैं तो अगर अभी आप प्रोटेक्टिव स्कीम के अंदर 100 करोड़ लोगों को अंत्योदय के अंडर खाना दे रहे हो तो वो धीरे धीरे 100 से पच, 80 हो जाएंगे 80 से 70 हो जाएंगे 70 से 50 हो जाएंगे और जैसे जैसे वो कम होते जाएंगे तो प्रोटेक्टिव की एफिशेंसी भी जो है वो बढ़ती जाएगी ठीक है अभी आप बहुत जगहों पर देखते हो पीडीएस में लोगों को खाना नहीं मिला आज से एक डेढ़ साल पहले बड़ी न्यूज वायरल हुई थी कि छत्तीसगढ़ में एक लड़की की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हंगर ठीक है और वो पीडीएस रजिस्टर्ड थे जबकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फिर भी उनको फूड नहीं मिल रहा था क्योंकि ओवर प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर ठीक है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है करप्शन है इतने ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं स्कीम के ऊपर डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो प्रोमोशनल अगर बढ़िया हो जाएगा तो डेफिनेटली प्रोटेक्टिव विल आल्सो इंप्रूव देन इज द ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेटिव क्या बात करता है ट्रांसफॉर्मेटिव कहता है कि इक्विटी और एक्सक्लूजन को खत्म करना है इक्विटी लेकर आना है एक्सक्लूजन को खत्म करना यानी कि सोशल एम्पावरमेंट करना है इंडिया जैसे देश में जहाँ पर इतनी ज़्यादा अभी भी डिस्क्रिमिनेशन uh, हैं डिफरेंट सेक्शंस के अंदर तो उसको आपने ख़त्म करना है क्योंकि अभी भी आप देखते हो कि जनरली uh, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप अभी भी देखते हो लोग एक सोशल वेब के अंदर फंसे हुए हैं ठीक है एग्रीकल्चर फैमिलीज एग्रीकल्चर के अंदर ही घुसी हुई हैं या पर्टिकुलर क्राफ्ट से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कास्ट है तो उनकी पूरी पूरी फैमिली उसी के अंदर चल रही है बिकॉज इन मेनी एरियाज ऑफ विलेजेस आल्सो आप अलाउड नहीं हो कि आप अपने जो आपका ट्रेडिशनल काम है वो आप उससे जा करके बाहर uh, काम करो ठीक है आपको जो है सोसाइटी uh, से बेदखल कर दिया जाता है इस तरीके uh, की चीज़ों से तो इसको ख़त्म करना है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज लेकर के आने हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट चलिए तो ये हमारी चार अप्रोचेज थी विच वी हैव नाउ द सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स इन इंडिया अगर हम सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को इंडिया में क्लासीफाई करें तो चार ब्रॉड कैटेगरीज के अपने पास प्रोग्राम आते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया जाए प्रोग्रामेटिक फ्रेमवर्क इसको कहोगे ठीक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे आप इंप्रूव करोगे ठीक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए आप कह सकते हो कि हम पीएम आवास योजना ले आए ठीक है कि हम सबको घर प्रोवाइड करेंगे सो लिविंग स्टैंडर्ड की बात आ गई टारगेटेड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम फॉर द वेरी पुअर अंत्योदय योजना ठीक है अंत्योदय योजना आ जाएगी जहां पर आप फूड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स ठीक है अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए आ, सरकार कितना कुछ लेकर के आ रही है कितनी सारी योजनाएं जो है सरकार लेकर के आ रही है अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए एंड सिमिलरली द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द दर्गेनाइज एंड फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स एज वेल तो इन चार कैटेगरीज में आप सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को जितने भी आपके सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे रख सकते हैं और राइट ना एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है ये एक टर्म आपको देखने को मिलती है सोशल सिक्योरिटी को जब भी आप पढ़ रहे होते हो जब भी थ्योरी सोशल सिक्योरिटी की पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस टर्म का मेंशन

जो कानून है जो पॉजिटिव एक्शंस हैं जो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश करके इन अंडर प्रिविलेज्ड और इन डिसएडवांटेज सेक्शन को आगे लाने की कोशिश करते हैं उनको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं वंस अगेन क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो सकता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिलेशन टू द अफर्मेटिव एक्शन इन सोशल सिक्योरिटी ओके स्टेटमेंट नंबर 1 इट इज अ पॉजिटिव एक्शन बाय द स्टेट स्टेटमेंट नंबर 2 इट इज टू सेट द

बेसिकली ये जो पॉलिसी uh, है इसने रिकॉग्नाइज किया कि 2001 में जब ये पॉलिसी आई कि वाइड गैप है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने लिख दिया कि इक्वालिटी लेकर के आएंगे ये वो सब बातें कर दी बहुत सारे कानून भी बना दिए बहुत सारी पॉलिसियाँ भी लिए आए बहुत सारे प्लान प्रोग्राम सब कुछ ले आए लेकिन फिर भी जो ग्राउंड पे रियलिटी है उसमें जो वुमेन का स्टेटस है वो काफ़ी नीचे है ठीक है एंड पॉलिसी कहता है कि हम ऐसा नहीं है कि कुछ हम नया एनालाइज कर रहे हैं पॉलिसी कहती है कि ये एनालिसिस uh, जो है uh, एक कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया बनी थी टूवर्ड्स इक्वालिटी करके उसका नाम था रिपोर, रिपोर्ट इसने बेसिकली निकाली थी जिस रिपोर्ट का नाम टूवर्ड्स तो इक्वालिटी था नाइनटीन में या नेशनल परसपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन बना था नाइनटीन से टू तक का या एक श्रम शक्ति रिपोर्ट आई थी नाइनटीन की ठीक है तो बेसिकली इन सारी रिपोर्ट्स में यही चीज़ जो है एनालाइज की गई थी कि भैया हालत जो है वो ख़राब है और राइट सो इसने गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या सेट किए सबसे पहले तो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज़ का एनवायरमेंट लेकर के आना पड़ेगा ताकि वुमेन अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ कर सकें ठीक है डी ज्योअर एंड डी फैक्टो इंजॉयमेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम बाय वुमेन इक्वल बेसिस के ऊपर चाहे वो पॉलिटिकल फ्रीडम है इकोनॉमिक है सोशल है कल्चरल है या सिविल है वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स ठीक है जी उसके बाद पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग में भी जो है वुमेन का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है हेल्थ केयर हो क्वालिटी एजुकेशन हो करियर हो इम्प्लॉयमेंट हो रेम्यनेशन हो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हो पब्लिक uh, ऑफिस में पार्टिसिपेशन हो हर चीज में वुमेन को इक्वल एक्सेस जो है वो मिलना चाहिए और राइट एंड ऑल्सो मेन स्ट्रीमिंग है जेंडर परस्पेक्टिव इन द डेवलपमेंट प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आप एक जेंडर परस्पेक्टिव जो है वो लेकर के आए और राइट सो बेसिकली एक जनरल आइडिया आपको लेना था ज्यादा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव या इस सब से तो क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछेगा बेसिकली यहाँ पर आपने क्या क्या याद रखना है एक तो स्कीम कब आई थी और ये जो मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया है ना कि कौन सी रिपोर्ट और ये सब ये थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे तो अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन वो फ्रेम करने की कोशिश करेगा तो इजीली आप उसको निकाल दोगे ठीक है चलो अभी आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं नाइनटीन टू नाइनटीन के uh, इसके ऊपर आप लोगों ने नज़र uh, जो है वो मार लेनी है इसमें कुछ ऐसे समझाने वाला नहीं है दिस इज जस्ट अ टेबल एंड जिन लोगों के पास पीडीएफ फाइल का ऑप्शन है वो तो पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर लेंगे जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑलराइट राइट या नोट बना सकते हैं डेफिनेटली सो दीज आर द प्रोग्राम्स दैट यू मस्ट टेक अ नोट ऑफ ऑल चलिए उसके बाद यहाँ पर मैंने एक आपके लिए एक कुछ लॉज जो है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेश जो है जो आपको अपने पेपर में जाने से पहले कवर करने चाहिए ई में दैट इज़ विशाखा गाइडलाइंस राइट टू एजुकेशन फूड सिक्योरिटी एक्ट मनरेगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डिस एक्ट ट्रांसजेंडर्स एक्ट मैनुअल स्क्रवेंजिंग एक्ट मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट एस सी एस टी प्रोटेक्शन एक्ट ऑल राइट इसमें से आई गेस मैंने ट्रांसजेंडर एक्ट आप लोगों के लिए ऑलरेडी कवर कर दिया है आई हैव ऑल्सो कवर्ड Domestic Violence Act for you guys. I have also done Manrega for you. Uh, वो हमने humne mcqs ke के mein में किया था ठीक है तो ये तीन तो मैं कवर कर चुका हूँ uh, बाकी के आप भी खुद से भी करने की कोशिश करें इन एक्ट्स में से आप क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओके चलिए सो alright गाइज विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वंडरफुल वीडियो एंड आई होप यू enjoyed इट एंड इफ यू enjoyed इट Please do me a favor, share the video, share the channel as much as you can. I'll see you in the next video. Till then, all the best and bye bye.